क्या आप जानते हैं जब कहीं पर कोई क्राइम होता है तो पुलिस उस जगह पर जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। कभी कभी क्राइम सीन बहुत सिंपल होता है, नॉर्मल होता है, देखते ही बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा मंजर सामने आता है कि पुलिस तक की भी रूह कांप जाए। आज की कहानी भी ऐसे ही घटना के बारे में है जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं काशिफ अनम केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत का देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड से। इसका कैपिटल है देहरादून। देहरादून में क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र पड़ता है। यहीं पर है टर्नर रोड C13। बात 13 जून 2023 की है। यहीं के किसी शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया और बताया कि इनके पड़ोस से काफी गंदी बदबू आ रही है और ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। हमने उस घर पर जाकर देखा तो वहां पर बाहर ताला लगा हुआ है। बदबू ऐसी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने दरवाजे को पीटा तो किसी बच्चे के रोने की आवाज भी आने लगी। इससे लगा कि घर में कोई ना कोई जरूर होगा। फिर हमने दरवाजे को खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। आगे शख्स ने पुलिस से कहा कि आप एक बार आकर देख लीजिए हुआ क्या है। वैसे ये अभी शाम का टाइम था। थोड़ी ही देर में देहरादून पुलिस क्लेमेंट टाउन के इस घर में पहुंचती है। कुछ आस पड़ोस के लोग भी बाहर खड़े थे। जिस घर से बदबू आ रही थी उस घर के मकान मालिक सुहेल भी वहीं पर थे। ये ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और बदबू फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी जिसे इन्होंने किराए पर दिया था। तुरंत पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। घर में एंट्री करने के दो दरवाजे थे लेकिन मेन दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरा दरवाजा अंदर से बंद था। इसमें से एक दरवाजे पर जाली भी लगी हुई थी। शायद घर के वेंटिलेशन के लिए इसे लगाया गया होगा। इसी जाली की वजह से दुर्गंध बाहर आ रहा था। नॉर्मल दरवाजा होता तो इतना किसी को पता नहीं चलता। खैर, पुलिस जाली वाले दरवाजे की जाली काटकर अंदर जाती है। कुछ पड़ोसी भी गए। घर के अंदर बेडरूम का मंजर बहुत ही भयानक था। पुलिस तक भी सहम गई। पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई। वहां कमरे के अंदर फर्श पर दो शव पड़े हुए थे। कपड़ों से लगा कि एक शव किसी आदमी का होगा और दूसरा किसी औरत का। इनकी हालत बहुत बुरी थी, जैसे कई दिनों से यहाँ पर पड़े हों। इनके नाक और गले से रक्त प्रवाहित होकर पूरे फर्श पर बिखरा हुआ था और ये पूरी तरह से काला भी पड़ चुका था। मतलब शव बहुत पुराना होगा। यही नहीं, शवों पर कीड़े भी रेंग रहे थे। तभी इनकी नज़र एक और हैरान करने वाली चीज़ पर पड़ती है। उसी क्राइम सीन में एक नवजात बच्चा भी पड़ा हुआ था। पुलिस ने जब उसको चेक किया तो पता चलता है कि ये तो जिंदा है। इसको देखने से लगा कि इसे पैदा हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। मुश्किल से मुश्किल इसकी एज एक हफ्ता ही होगी। कहीं ये बच्चा इन्हीं दोनों मरने वालों का तो नहीं? मतलब जब से इनकी मृत्यु हुई तब से ये बच्चा भी भूखा प्यासा यही बदबू के बीच पड़ा रहा। इसका शरीर भी पीला पड़ चुका था। इसके ऊपर भी कीड़े रेंग रहे थे। तुरंत पुलिस ने बिना देरी किए बच्चे को हॉस्पिटल भिजवाया। डॉक्टर्स उसका इलाज शुरू करते हैं। इधर पुलिस फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाती है। अब बारी थी एविडेंसेस जुटाने की, इकट्ठा करने की। मकान मालिक से पता चला कि ऊपर का फ्लोर इन्होंने अनम और काशिफ नाम के कपल को किराए पर दिया था। वैसे जब किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके बदबू की सूचना दी थी तभी एक महिला भी कुछ लोगों के साथ क्लेमेंट टाउन पुलिस थाने जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती हैं। इनके पति 10 जून से फोन नहीं उठा रहे थे। ये लगातार उनको कॉल कर रही थी। फिर 12 जून से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद चिंतित होकर 13 जून को उन महिला को पुलिस थाने आना पड़ा। इनका मूल रूप से घर या ससुराल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में चहलोली थाना क्षेत्र में था। ये सहारनपुर से देहरादून आई थी क्योंकि इनके पति यहीं पर रहते थे और काम करते थे। खैर, इधर काशिफ और अनम की बात करें तो इनके घर में किसी तीसरे इंसान के आने की आशंका नहीं लग रही थी। घर में सारे सामान भी ठीक ठाक से रखे हुए थे, कुछ भी अपने जगह से हटा नहीं था। वहीं एक दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरे दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। लगा कि इस कपल ने एक दरवाजे को बाहर से बंद किया होगा और दूसरे दरवाजे से आते जाते होंगे। लेकिन ये बाहर से ताला क्यों लगाएंगे, इनको तो अंदर से लगाना चाहिए। पहले तो पुलिस को लगने लगा कि इस कपल ने खुदकुशी की है, मगर इतने सारे रक्त बिखरे हुए थे, कोई भी इंसान खुद को इतनी तकलीफ देकर अपना जीवन समाप्त नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि एक ने दूसरे को मारा और फिर खुद को खत्म कर लिया। पुलिस को मौका या वारदात से रक्त में सना हुआ एक चाकू भी बरामद होता है। लगा कि यही वो कत्ल या खुदकुशी में यूज हुआ हथियार होगा। वो एक हफ्ते का बच्चा भी यूं ही बेड पर पड़ा हुआ था, उसको इन्होंने क्यों छोड़ दिया तड़पने के लिए। वहीं अगर कत्ल हुआ तो जरूर कोई ना कोई यहाँ पर आया होगा। कत्ल के वक्त घर में विरोध हुए होंगे, चीख पुकार मची होगी। किसी पड़ोसी ने उन्हें सुना क्यों नहीं, किसी को आते जाते क्यों नहीं देखा गया। ऐसे ही पुलिस के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस ने शवों को भी हॉस्पिटल भिजवा दिया उनकी जांच के लिए। इसमें जानना जरूरी था कि मृत्यु कैसे हुई है, इसमें खुदकुशी थी या कत्ल। मकान मालिक से बात करने पर सामने आया कि काशिफ और अनम घटना के 4 महीने पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। उस दौरान अनम गर्भवती थी।
ये कपल 8-9 जून को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल गए जहाँ पर अनम ने एक बच्चे को जन्म दिया। 10 जून को ये घर पर आते हैं। इसके बाद ये लोग घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन आज यानी 13 जून को इनका शव निकलता है। पुलिस भी कत्ल और खुदकुशी में कंफ्यूज हो रही थी। पोस्टमार्टम में भी कुछ खास पता नहीं चलता है क्योंकि लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी, खराब हो चुकी थी। मृत्यु का कारण पता करना बहुत मुश्किल था। इसके बाद शव को विसरा जांच के लिए भेज दिया जाता है जहां पर और भी डिटेल में इनकी जांच होती है। उधर वो सारी चीजें चल रही थी, इधर पुलिस ने मरने वालों के घर वालों का पता करके उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया, पूछताछ करने लगे। इनका बैकग्राउंड खंगाला जाता है। काशिफ का घर सहारनपुर में था। पता चला कि सहारनपुर में ऑलरेडी काशिफ की एक पत्नी है, यानी इसकी पहले ही एक शादी हो चुकी थी और अनम इसकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम था नुसरत। नुसरत और काशिफ का एक बेटा भी था। अब ये सारी चीजें पता चलते ही पुलिस के रेडार में काशिफ की पहली पत्नी नुसरत आ जाती है। शायद वो अपने पति के दूसरे शादी से खुश ना हो इसलिए उसने कत्ल करवा दिया। कई सारे केसेस में ऐसा हुआ भी है, हो सकता है कि वैसा यहाँ भी हो। धीरे धीरे पुलिस को चीजें पता चल रही थी, सुराग मिल रहे थे। घटना के एक दो दिन के बाद जब नुसरत के बारे में पता चला तो एक टीम देहरादून से सहारनपुर भेजी जाती है। नुसरत अपने ससुराल यानी काशिफ के घर पर थी। पुलिस ने यहाँ आकर इनसे बात किया। नुसरत ने बयान में बताया कि इसका अपने पति से दूसरी शादी के बाद भी ठीक ठाक संबंध थे, फोन पर भी बात होती थी, लेकिन अचानक से 10 जून के बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। 12 जून को उनका फोन स्विच ऑफ भी हो जाता है। 13 जून को ये खुद अपने पति की गुमशुदगी को लेकर देहरादून जाकर क्लेमेंट टाउन थाने में कंप्लेन भी लिखाती हैं। पुलिस ने कंफर्मेशन के लिए थाने में चेक करवाया। सच में उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया था। पुलिस नुसरत का फोन भी चेक करती है, कॉल डिटेल्स देखती है। नुसरत के सारे बयान सच निकलते हैं। पहले भी इसकी अपने पति से बात होती थी। इसने अपने पति को फोन ना उठाने से कई बार उन्हें कॉल भी किया था। काशिफ के पिता मोहसिम ने भी बताया कि इनकी बहू अपने पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती। उन दोनों का तो खुद एक बेटा भी है, पति के कत्ल के बाद उनका क्या होगा, वही कमाने धमाने वाला है इनके लिए। वैसे काशिफ जेसीबी और क्रेन ऑपरेटर था, देहरादून में काम करता था। सारी पूछताछ और छानबीन के बाद पुलिस नुसरत को क्लीन चिट दे देती है। ये शक के दायरे से बाहर हो गई। पुलिस की तो काशिफ के परिवार से बातचीत चल ही रही थी, अब इनके पड़ोसियों से भी बात किया गया, पूछताछ हुआ। पुलिस अब ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर काशिफ के जीवन में आखिर कौन कौन सी परेशानियां थी, किसी से कोई दुश्मनी हो, लड़ाई झगड़ा हो या कुछ और। घर वालों और गांव वालों से बात करने पर सामने आया कि काशिफ ने ढेर सारे पैसे उधार लिए थे, उसके ऊपर करीब 15 लाख रुपए का कर्ज था, इस वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहता था। ऐसे पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि कर्ज से बचने के लिए काशिफ ने पहले अपनी पत्नी की जान ली फिर खुद की जान ले ली, लेकिन बच्चे को नहीं मार पाया होगा मोह की वजह से। अब ये भी हो सकता है कि जिनसे इसने कर्ज लिया उन्होंने कुछ कर दिया हो, पर एक कर्ज देने वाला शख्स ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो पैसे वापस मिलने की उम्मीद भी होगी थोड़ी बहुत, वो कत्ल करने के बाद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। उधर काशिफ और अनम के विसरा जांच में आया कि दोनों के ही गले पर किसी तेज धार चाकू से वार हुए थे, कुछ इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हैं। रिपोर्ट से तो ये बात साफ हो जाती है कि एक कत्ल का मामला है, क्योंकि खुदकुशी में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, ये केवल कत्ल में ही मिलता है। अब पुलिस ने काशिफ और अनम के CDR डिटेल्स निकाले। हफ्ते दो हफ्ते में इन्हें जितने भी कॉल्स आए थे या इन्होंने किए थे सब कुछ देखा गया, पर यहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता है। सभी के सभी लोग इस कपल को जानने वाले थे, आम लोग थे। इसी दौरान में एक खुशखबरी आती है कि मृतकों का बच्चा हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा है, खतरे से बाहर आ रहा है। डॉक्टर्स के अनुसार उसकी हालत बहुत खराब थी। ये बच्चा अपने टाइम से पैदा हुआ था, बिल्कुल ठीक था, स्वस्थ था, वजन भी ठीक था। अगर यहीं इसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई होती तो शायद इसकी भी अपने माता पिता के जैसे मृत्यु हो जाती, इतने दिन ये झेल नहीं पाता। लेकिन अब ये धीरे धीरे ठीक हो रहा था। पुलिस भी अपने इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रही थी, कत्ल के सुराग ढूंढ रही थी। इन्होंने क्लेमेंट टाउन के वारदात वाले घर के आसपास जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए थे उनके फुटेजेस देखने शुरू किए। घर के आसपास तो ऐसा कोई कैमरा लगा नहीं था, लेकिन मेन रोड के पास लगा था। इन्हें अपनी तफ्तीश में इतना तो पता चल गया था कि यह कत्ल 10 जून से 13 जून के बीच में हुआ होगा। शव की कंडीशन को देखते हुए लगा कि यह कत्ल 10 जून की तारीख में हुआ होगा, तभी इतनी बुरी स्थिति में है। अब पुलिस इसी हिसाब से 10 जून की तारीख की सारी फुटेजेस निकालती है, देखती है कहीं कोई सस्पेक्ट इंसान दिख जाए, कोई गाड़ी दिख जाए। दिन में तो यहाँ पर लोगों की चहल पहल होती है, इसलिए कोई भी इस वक्त कत्ल करके भाग नहीं सकता। 10 जून की रात में भी ऐसा कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आता है। अब पुलिस ने 11 जून के फुटेजेस देखे, इस डेट को भी कोई नहीं दिखा। पुलिस निराश होती जा रही थी। फिर भी 13 जून तक के दिन रात दोपहर शाम तक के फुटेजेस देखे गए। देखते ही देखते 13 जून की भोर में एक ह्युंडई कार कैमरे में आती हुई दिख जाती है।
ये पहले तो काशिफ अनम के घर की ओर आई, फिर कुछ मिनट के बाद वापस चली गई। पुलिस ने क्लेमेंट टाउन के आसपास के लोगों से बात किया। उनसे पूछा गया कि क्या आपका कोई जानने वाला 13 जून की भोर में आया था या गया था। गाड़ी होनी चाहिए ह्युंडई वेरना, लेकिन सभी के सभी लोग इसे नकार देते हैं। इससे पुलिस समझ गई कि इस गाड़ी में जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। अब इस गाड़ी को और भी ध्यान से देखते हैं कैमरे में। इसमें इसका नंबर प्लेट भी साफ साफ कैद हो गया था। अब पुलिस इस नंबर के जरिए गाड़ी के ओनर के बारे में पता लगाती है। ओनर का नाम आया अश्वद। इसका एड्रेस भी पुलिस को मिल जाता है। काशिफ के घर वालों से पता चला कि अश्वद काशिफ का दोस्त है। अब पुलिस को लगने लगा कि ये सही रास्ते पर चल रहे हैं। पुलिस अश्वद के पास जाती है और उससे गाड़ी के बारे में पूछती है। इसने बताया कि इस डेट और टाइम को मेरी गाड़ी शहबाज नाम के आदमी के पास थी। वो कहाँ आया गया इसे नहीं पता। अभी शहबाज कौन है? पुलिस ने काशिफ के दोस्त अश्वद से पूछा। पता चला कि शहबाज अनम का सगा बड़ा भाई है। ये सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है। भला अनम का भाई इस इलाके में इतनी रात को आया क्यों? पुलिस को यकीन करना मुश्किल था कि जिसकी ये तलाश कर रहे हैं कहीं वो अनम का भाई शहबाज तो नहीं। मगर वो अपनी बहन और जीजा का कत्ल क्यों करेगा? इसी दौरान अनम के फोन में पुलिस को एक वीडियो मिलता है, जिसमें था कि अनम ने अपने भाई पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इसका भाई इसे और काशिफ को मारने का प्लान बना रहा है। इन दोनों की जान को खतरा है। अनम रो रही थी और ये बात बोल रही थी वीडियो में। मामला ये बहुत घुमाने वाला था। पुलिस अब शहबाज की CDR रिपोर्ट निकालती है, लोकेशन वगैरह देखती है। इसमें पता चला कि 10 जून की रात में शहबाज ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया था, फिर 11 जून की सुबह में वापस ऑन कर लिया। वैसे ऐसा काम अक्सर लोग करते हैं ताकि रात में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन ऐसा करने वाले लोग हर रात को करते हैं। मगर इस वाले केस में शहबाज ने केवल 10 जून की रात में ही फ़ोन बंद किया था। ना इसने पहले कभी ऐसा किया था और ना इसके बाद कभी किया। ये चीज़ शहबाज को शक के घेरे में ले रही थी। पता चला कि 13 जून की भोर में इसकी लोकेशन क्लेमेंट टाउन में दिखी थी और 10 जून के दिन फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले ये अपनी बहन के किराए के घर पर था। लेकिन जब इसका फ़ोन वापस ऑन हुआ तो ये कहीं और था। जब कत्ल में शहबाज का नाम आने लगा तो काशिफ के पिता ने क्लेमेंट टाउन जाकर शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया कि इनके बेटे और बहू के कत्ल के पीछे यही आदमी है। वैसे अनम का मायका और ससुराल दोनों सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही थे, गांव भी एक ही था। तो वापस से पुलिस सहारनपुर जाती है और शहबाज को उठाती है। इसको देहरादून लाकर बातचीत किया गया। शहबाज अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को नकार देता है। भला ये अपनी बहन और जीजा जी का कत्ल क्यों करेगा? अपनी बहन को तो ये मार नहीं सकता और जीजा जी को मारकर बहन को विधवा नहीं करेगा। पर पुलिस के पास कई सारे सबूत थे इसके खिलाफ। पुलिस ने वो CCTV फुटेज जिसमें वेरना गाड़ी दिखी थी, शहबाज की उस टाइम की लोकेशन, इसके फोन का स्विच ऑफ और ऑन होना, जिससे शहबाज ने कार मांगी थी उस व्यक्ति अश्वद का बयान, सारी चीजें शहबाज के सामने रखी पुलिस ने और सख्ती से पूछा। इसने स्वीकार किया कि बहन अनम और काशिफ का कत्ल इसने ही किया है और बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। बच्चे का जन्म 9 जून को हुआ था और इसके माता पिता का कत्ल 10 जून को किया गया। शहबाज और काशिफ दोनों सेम ही गांव के थे और दोनों में दोस्ती भी थी। काशिफ ने शहबाज की बहन अनम से शादी की थी। पहले ये दोस्त थे, अब रिश्तेदारी हो गई। 7 जून को काशिफ ने ही शहबाज को देहरादून बुलाया घुमाने फिराने के लिए। ये लोग देवभूमि घूमने के लिए जाते हैं। शहबाज के अंदर पहले से ही काशिफ के लिए बहुत गुस्सा था, वो अभी आपको पता चल जाएगा। शहबाज ने सोचा कि देवभूमि में ही काशिफ का खेल खत्म करेंगे, लेकिन वहां पर इसकी बहन भी साथ में थी, भीड़ भाड़ वाला एरिया भी था, तो इसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। घूमने फिरने के बाद ये वापस अपने घर चले आते हैं क्लेमेंट टाउन। 10 जून तक शहबाज काशिफ और अपनी बहन अनम के साथ उनके किराए के घर में रहता है। ये एक साल से ही काशिफ को खत्म करने की फिराक में था। 10 जून की रात में सभी लोग अपना डिनर वगैरह करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अब देर रात में शहबाज उठता है, ये किचन में गया और वहां से चाकू लेकर आया। अभी 9 जून को ही अनम ने एक बेटे को जन्म दिया था। दोनों पति पत्नी उस दिन हॉस्पिटल में ही थे, काफी थके हुए थे, तो 10 जून की रात में ये लोग गहरी नींद में सो रहे थे। शहबाज चाकू लेकर अपनी बहन के बेडरूम में गया और सो रहे उसके पति काशिफ के गले पर चाकू चला दिया। काशिफ इसका विरोध करता है, चीखने की कोशिश करता है। फिर शहबाज ने इसके शरीर पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इसी में इसकी बहन अनम भी जग जाती है। इसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई द्वारा पति को मरते हुए देखा था। ये भी अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। तो अब बारी आती है अनम की। शहबाज ने इसको भी काबू किया। चूंकि अभी पिछले दिन अनम लेबर पेन में थी तो ये बहुत कमजोर भी हो गई थी, तो शहबाज ने इसको आसानी से काबू कर लिया। इसके गले पर भी चाकू चलाया गया। दोनों ही पति पत्नी विरोध के दौरान बेड से जमीन पर गिर गए थे। बच्चा इनके बीच में ही सो रहा था। सारी चीजें करने के बाद शहबाज ने खुद को साफ सुथरा किया। ये बच्चे को नहीं मारता है, सोचा कि इतना छोटा है, भूख प्यास से खुद ही दम तोड़ देगा।
इसके बाद शहबाज एक दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर चला जाता है। दूसरा दरवाजा तो पहले से ही अंदर से बंद था। यहाँ पर एक इत्तेफाक होता है कि ये आदमी शहबाज किसी भी कैमरे में जाते हुए नहीं दिखा। अब ये कुछ दिन बाद 13 जून की भोर में अपने जाने वाले अश्वथ की कार लेकर अपनी बहन के घर पर गया। इस टाइम कैमरे में वो गाड़ी दिख गई थी। खैर, ये बहन के घर पर आया, लॉक ओपन करके घर के अंदर गया। जब ये घर में जाता है तो वहाँ का दृश्य देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। वो पूरा बेडरूम रक्त में भीगा हुआ था और पूरा जमकर काला हो गया था। बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी शवों से। शहबाज ने सोचा था कि इन शवों को ये गाड़ी में ले जाकर कहीं और ठिकाने लगा देगा, मगर बदबू इतनी बुरी थी और तेज थी कि ये शवों के पास नहीं जा पाया। वो बच्चा भी बेड पर यूं ही पड़ा रहता है। इसके बाद शहबाज ने शवों को ठिकाने लगाने का प्लान कैंसिल कर दिया और वापस ताला लगाकर गाड़ी से घर चला गया। इन सबसे पुलिस के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर एक भाई ने अपनी बहन, जिसको माँ बने एक दिन भी नहीं हुए थे, उसको इतनी बेरहमी से खत्म क्यों कर दिया? अपने जीजा जी को क्यों मारा? 2 दिन के भांजे को वहीं पर तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया? ये बात 2022 की है। काशिफ और शहबाज दोनों एक ही गांव में रहते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इस तरह से काशिफ का शहबाज के घर पर आना जाना था। वैसे काशिफ की नुसरत नाम की लड़की से ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था। अब चूंकि काशिफ बाल बच्चे वाला आदमी था, ऊपर से शहबाज का दोस्त भी था, तो ये अपने घर पर काशिफ को आने से रोकता टोकता नहीं था। घर के लोग भी इससे बहुत फ्रेंडली थे, इनसे काशिफ हंसी मजाक भी करता। यही शहबाज की बहन थी अनम, उम्र थी इसकी 23 साल। शादी की उम्र भी हो ही रही थी। भाई ने इसके लिए बहुत सपने देखे थे। इन्हीं दिनों शहबाज किसी लड़की को भगा कर ले जाने के आरोप में जेल में बंद था। काशिफ तब भी इसके घर पर आता जाता रहता था। इसी दौरान में अनम और काशिफ एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब चूंकि ये गांव जैसा इलाका है तो ऐसी बातें छुप नहीं सकती। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। शहबाज तो चूंकि जेल में था तो उसको किसी भी चीज़ की भनक नहीं थी। वैसे इनके घर में कोई भी गार्जियन नहीं था। 8 साल पहले शहबाज के पिता की मृत्यु हो गई थी। जब शहबाज जेल से बाहर आया तो इसे पता चला कि जिस बहन की शादी के लिए उसने सपने देखे थे कि ये धूमधाम से कराएगा किसी अच्छे घर में, वो बहन एक शादीशुदा आदमी काशिफ के साथ घर छोड़कर भाग गई है और कोर्ट में शादी भी कर लिया। इस बात को लेकर पूरे गांव में शहबाज और उसके परिवार की बहुत बदनामी होती है कि कैसे संस्कार दिए हैं। बस यहीं से शहबाज ने ठान लिया कि ये धोखेबाज काशिफ का कत्ल करेगा। बहन उसके साथ क्यों भागी, घर का इज्जत डुबा दिया, उसको भी नहीं छोड़ेगा। अब मोटिव तो इसे मिल गया, अब बस इसको प्लान बनाना था और कत्ल करना था। गांव में यह भी बात फैली कि अनम की 3 बीघा जमीन थी जिसको काशिफ ने गिरवी रखा है और उसके आधे पैसे शहबाज ने रखे हैं। इस चीज से शहबाज की गांव में और भी बदनामी होती है कि एक तो बहन भाग गई और जिसके साथ भागी उससे शहबाज ने पैसे लिए हैं। इन सब चीजों ने शहबाज के अंदर और भी गुस्सा भर दिया। अब बस इसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। शुरू में तो इसने अपनी बहन और काशिफ को धमकियां दी थी जिससे अनम ने वो वीडियो बनाया था, लेकिन बाद में शहबाज ने सोचा कि कत्ल करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो इससे डरकर भागेंगे। साजिश के तहत इसने सब कुछ भुलाने का नाटक किया और इसने अपनी बहन और जीजा को स्वीकार कर लिया। पहले ही उनके करीब जाएगा, फिर मौका देकर उनका काम तमाम कर देगा। इन्हीं सब चीजों से काशिफ को लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए इसने शहबाज को घुमाने के लिए 7 जून को देहरादून बुलाया और ये लोग देवभूमि घूमते भी हैं, नूडल्स वगैरह बनाकर खाते हैं। वो जो अनम काशिफ का बेटा था उसका 10 दिनों तक अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। फिर 23 जून के दिन जब बच्चा रिकवर हो गया अच्छे से, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में बच्चा उसके दादा दादी यानी काशिफ के घर वालों को हैंडओवर कर दिया गया। वो लोग इसको अपना भी लेते हैं। पुलिस ने ऑफिशियली शहबाज को अरेस्ट कर लिया, सारे सबूत गवाह जुटा लिए, सेशन कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।